मैं यहाँ पर जल मंत्री आतिशी जी से मिलने आया था और उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो बहादुर तो हैं ही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए लड़ना भी जानती हैं। जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोगों के समस्याओं का कैसे समाधान करें, उसके लिए लगातार वो लड़ती रही हैं। मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ और परेशानियों को जानता हूँ, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियाँ बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएँ। वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाएँ, जनता के बीच में ना पहुंच पाएँ, सरकार ठीक से न चला पाएँ, इसलिए फिर उन पर न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता।